हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में निफ्टी के लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको लाइव मार्केट में इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करके बताने जा रहा हूं। और इस स्ट्रैटेजी का नाम है डेज हाई एंड डेज लो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया और आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे विजिट करके। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था डेज हाई एंड डेज लो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, जिसमें आप बैंक निफ्टी के लिए कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप कर सकते हैं इसके बेसिस पे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के लिए एक स्पेशल सा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। लेकिन आज यहाँ पे हम निफ्टी के लिए बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी में कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी लाइव मार्केट में बेस्ड ऑन डेज हाई एंड डेज लो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे देख सकते हैं मार्केट अभी ओपन हुआ है, टाइम हो रहा है 9:16 AM और यहां पे अभी हम सेटअप कर ही रहे हैं मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और जहाँ पे प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट था उस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी आपका क्या बन गया, ये आपका एक सप्लाई जोन बन गया, यानी ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब मार्केट अभी आपका 17,260 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या पोजीशंस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा। अगर निफ्टी 17,250 के लेवल तक अगला 15 मिनट रुक जाता है तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर कल का जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी 17,230 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपका ये 17,230 के लेवल करीब ही ट्रेड करा और मार्केट ओपन हुए जस्ट 2 मिनट ही हुआ, यानी अगर 17,230 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और लेवल ऑलमोस्ट आपका ब्रेक होने ही वाला है। देखिए, ऑलमोस्ट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे मेरा जो कॉल है वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस जो आज का हाईएस्ट पॉइंट बना, यानी आपका 17,280 करीब हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट प्राइस की बात करूँ तो टारगेट प्राइस पहला आपका होगा 17,200, दूसरा जो ये रेंज है इसके करीब जो कि आपका बनता है 17,180 और तीसरा 17,150। ये तीन हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं, देखते हैं कि ये हमारा टारगेट प्राइस हिट करता है या स्टॉप लॉस हिट करता है और किस पॉइंट पे मैंने पोजीशंस लिया था, वो सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो कितनी आसानी से हमने प्रीवियस प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारा कुछ कर लिया। और उसके बाद मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप डेज हाई के बेसिस पे कैसे ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। उससे पहले हमारे पास एक ट्रेड सेटअप बन गया जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए भी मैंने आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसने अपना टारगेट प्राइस हिट किया या फिर स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 9:20 AM हो रहा है, मार्केट ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब देखिए मार्केट किस लेवल पर आ गया, मार्केट जो आपका आ गया है 17,200 के नीचे, यानी जो पहला मेरा टारगेट प्राइस था वो यहाँ पे इसने हिट कर दिया। अब दूसरे टारगेट प्राइस की तरफ आगे बढ़ रहा, दूसरा टारगेट प्राइस हमारा क्या था 17,180 और तीसरा था 17,150। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा पहले टारगेट प्राइस जैसे ही हिट हुआ हम अपने बाइंग प्राइस को नीचे की तरफ ले आएंगे, यानी जो मेरा बाइंग प्राइस था 17,230 हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस के करीब ले आएंगे। यानी अब यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर रिवर्स भी लेता है तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जो भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा वही नुकसान होगा क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों एक ही जगह पे हो गया। तो जो स्टॉप लॉस मेरा 17,280 के लेवल पर था उसको हम नीचे ले आएंगे और 17,230 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, जो भी मेरा बाइंग प्राइस था। अब वापस मैं आपको कुछ देर बाद मिलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि ये जो अभी ट्रेड करा 17,185 के करीब ट्रेड करे, यानी जो हमारा दूसरा टारगेट प्राइस है उससे जस्ट 5-6 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जैसे इसने दूसरा टारगेट प्राइस को हिट करेगा वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस को और नीचे की तरफ ले आएंगे, यानी बाइंग प्राइस से 10 पॉइंट नीचे, यानी 17,220 के लेवल पे अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ले आएंगे। यानी एनी हाउ मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा और जैसे ये 17,180 के लेवल पे आएगा मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, मिनिमम 10 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिलना ही मिलना, यानी ऑलमोस्ट इसने 17,180 के लेवल को टच कर ही दिया। तो यहाँ पे देखिए इसने 17,180 के लेवल को टच कर दिया, यानी मेरा दूसरा टारगेट प्राइस हिट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हो रहा 9:42 AM,
और प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 70,170 के लेवल पे, और देख सकते हैं यहाँ पे जो लोएस्ट है इस कैंडल का 17,152, यानी जो मेरा लास्ट टारगेट प्राइस था 17,150 ऑलमोस्ट उसको हिट कर दिया, यानी मुझे यहाँ पे 17,230 के लेवल पे सेल किया था, लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो यहाँ पे आप 17,170 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को 12 करके 17,180 के लेवल पे ला सकते हो। और अगर ये ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस को 12 कर देता फिर भी मुझे मिनिमम यहाँ पे एटलीस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो हम इससे 50 पॉइंट ही कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम 50 पॉइंट का प्रॉफिट लिया किसके बेसिस पे, याद रखना प्रीवियस डे के हाई के बेसिस पे। हमने ट्रेड सेटअप कैसे तैयार किया, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड सेटअप तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, आगे हम वेट करेंगे हमारा मार्केट जो अभी है वो सेल ऑन वाइज मार्केट है, यानी जैसे इस लेवल के आसपास आता है 17,250 करीब तो यहाँ पे हम अपना सेल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अभी कहाँ पे मूव कर रहा है, 17,232, यानी हमें जो अनुमान था उससे मार्केट ऊपर ही आया, और हमने देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक पे अपना जो पोजीशंस हटा लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकला भी। अब यहाँ पे हमारा जो सेलिंग रेंज रहेगा वो ये सेलिंग रेंज है, यानी यहाँ पे हम लगभग 17,250 के करीब यहाँ पे सेल करेंगे, आज का जो हाईएस्ट पॉइंट उसके करीब। लेकिन कब सेल करेंगे, अगर इस लेवल करीब आता है और कैंडल में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखता है, यानी जो बाइंग कैंडल है वहाँ पे हमें वीकनेस दिखता है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि अभी भी जो मेरा रेंज है उससे 20 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम मार्केट के पीछे नहीं भागेंगे, मार्केट को अपने पास आने देंगे, और जब मार्केट मेरे लेवल के पास आएगा तब यहाँ पे अपना सेल पोजीशंस लेंगे। तो यहाँ पे हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं, जब ये इधर हमारे बाइंग रेंज में आ जाएगा तो, यानी तो ऊपर नीचे चला गया तो कोई बात ही नहीं है तो हम छोड़ देंगे, हमारे बाइंग रेंज में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टाइम हो रहा आपका 12:19 PM, और अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका 17,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी मेरे सेलिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉजिटिव कैंडल में हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, हमें क्या देखना है, हमें ग्रीन कैंडल में वीकनेस देखना है। अगर इसी स्ट्रेंथ के साथ इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, यानी डेज हाई के बेसिस पे यहाँ पे हम बाई करेंगे। और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आता तो हम सेल करेंगे। हमें देखना है कि कैंडलस्टिक में वीकनेस चाहिए, और देखते हैं कि हमें वीकनेस मिलता है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। और देख सकते हैं 12:20 का टाइम हो गया है और यहाँ पे हमें अभी तक वीकनेस देखने को नहीं मिला, तो हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं, आइदर कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है या नहीं तो हमें यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 12:26 PM, और यहाँ पे कैंडल में हमें वीकनेस देखने को मिल गया और ऊपर में आपको टेल दिखा। ऊपर में टेल दिखने का मतलब है कि बायर्स का स्ट्रेंथ कम हुआ और सेलर्स यहाँ पे हावी हुए हैं, और हमारे सेलिंग रेंज में, यानी यहाँ पे हम 17,245 के करीब हम अपना सेल पोजीशंस बना लेंगे। मतलब यहाँ पे मेरा सेल पोजीशंस एक्टिव हो गया 17,245 करीब, और ये मैंने कैसे किया, ये मैंने डेज हाई स्ट्रेटजी के बेसिस पे किया, मैंने एक रेंज ड्रॉ किया उसके बेसिस पे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं दोबारा से। और यहाँ पे वापस से हमारा टारगेट स्टॉप लॉस सारा कुछ सेम होगा, नहीं तो हम अपना स्टॉप लॉस को 12 करते चलेंगे। पहला टारगेट प्राइस होगा 17,200, दूसरा 17,180 और तीसरा 17,150, नहीं तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा अपना स्टॉप लॉस 12 करते चलेंगे। मिलते हैं कुछ देर बाद जब आइदर ये स्टॉप लॉस या फिर टारगेट दोनों में से किसी को भी हिट करता है तो। अब यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 12:44 PM, अब इसने हमारे पहले टारगेट प्राइस यानी 17,200 को ऑलमोस्ट इसने हिट कर ही दिया, और जैसे इसके करीब आया हम अपना स्टॉप लॉस 12 करके कहाँ पे ले आएंगे, हम अपना स्टॉप लॉस 12 करके बाइंग प्राइस के करीब ले आएंगे, और स्टॉप लॉस भी हमारा वही रहता 17,280 के करीब, और उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा आ जाता बाइंग प्राइस करीब, यानी 17,240-45 जिस भी लेवल पे हमने सेल किया था उस लेवल करीब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आ जाता, यानी अब मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला और हमारा इसने पहला टारगेट प्राइस को ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ क्या जाता है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद और अपडेट करता हूँ। उसके बाद हम किसी कारणवश से लाइव मार्केट से बाहर आ गए थे, तो मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा प्रोसेस में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपका समझना है कि कंटिन्यूएशन आपका वहीं से रहा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पे हमने सेल किया था, देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक में वीकनेस दिखा था, यहाँ पे सेल किया था, उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा था, मेरा टारगेट प्राइस था 17,200 जो कि हिट हो गया था, मैंने लाइव मार्केट में ही बता दिया था, फिर 17,180 अगला टारगेट प्राइस था। जैसे ही 17,180 पे आता अपना स्टॉप लॉस 12 करके कहाँ पे लाते, अगले लेवल पे जो कि 17,200 के करीब होता। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, 17,200 के लेवल को हिट कर दिया, मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी मुझे यहाँ पे
फिर से 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। उसके बाद वापस से मार्केट हमारा जो सेलिंग रेंज है वहां पे गया है, तो वापस से हम सेल करेंगे सेम लेवल पे 17245 करीब, जब हमें कैंडल में वीकनेस देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, डेज हाई करीब तो आपको सेल करना, लेकिन कब, जब कैंडल में वीकनेस दिखने को मिले, यानी क्वीन कैंडल वीकनेस देखने को मिले। और उसके बाद देख सकते हैं यही लेवल करीब हमें वीकनेस देखने को मिला, मतलब यहीं पे हम अपना एंट्री ले लेंगे, यानी 17245 करीब एंट्री लेंगे, और 17240 करीब यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। ये हमारा क्या बन जाता उस टाइम पे, एंट्री पॉइंट SL हमारा बनता 17280, जो हम हर एक बार लगा रहे थे। टारगेट प्राइस हमारा बनता 17180 और 150, आप चाहो तो और भी ट्रेल भी कर सकते थे। उसके बाद देखिए मार्केट आपको ऊपर की तरफ गया, लेकिन आप यहाँ पे हाई देख सकते हो, हाई जो है आपका 17267, और यहाँ पे भी हाई देख सकते हो 269, यानी 17270 का ही हाई था और मेरा स्टॉप लॉस था 17280, जो कि हम पहले ट्रेड से इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद मार्केट आपका वापस से नीचे की तरफ गिरा और मेरा सारे टारगेट प्राइस को हिट करते हुए नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल ही जाता, 90 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको और मिल जाता। यानी ओवरऑल पहले ट्रेड में मुझे 50 पॉइंट, दूसरे में मुझे 40 पॉइंट और तीसरे ट्रेड में मुझे लगभग 100 पॉइंट, यानी यहाँ पे हमने एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लेता लाइव मार्केट, मैंने आपको बता दिया था। इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते तो, यानी यहाँ पे हम किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, डेज हाई के बेसिस पे, हमने प्रीवियस डे का डेज हाई मार्क किया, आज का डे हाई मार्क किया, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो उसको हमने क्या बना दिया, सप्लाई जोन बना दिया। उस सप्लाई जोन के पास आने के बाद हमें कैंडल में वीकनेस देखने को मिला, जैसे ही वीकनेस देखने को मिला हम सेल किए और प्रॉफिट कमाए, और ऐसा ही मार्केट 3 बार हमारे सप्लाई जोन में आया और 3 बार हमने सेल किया और सेल करके प्रॉफिट बनाया। और मार्केट भी हमारा क्या था, मार्केट के सेंटिमेंट को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मार्केट भी था सेल ऑन राइज मार्केट, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट भी अभी निगेटिव साइड की तरफ है, जैसे ही आपको बाउंस बैक देखे वहाँ पे क्या करना है, बेचना है। तो मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जाके और आप ये सारा स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और इस बीच में मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ बहुत बार खेला होगा, बहुत बार आपका स्टॉप लॉस से करीब गया होगा। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस करीब गया, बहुत सारे लोग डर के यहाँ से निकल गए होंगे, यानी मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट नीचे बच गया, अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं, नहीं तो मेरा 10 पॉइंट का और नुकसान होगा। तो आपको डरना नहीं था, आपको बने रहना था, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस बेल कैलकुलेट करके बनाया था, एकदम सारा कुछ कैलकुलेट करके बनाया था, रिस्क कम था रिवॉर्ड ज़्यादा था, और अल्टीमेटली वही हुआ, आपको डराने के बाद मार्केट आपको नीचे की तरफ ले गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हल्के हो गए होंगे, यानी तो बहुत सारे लोग बाय साइड की तरफ जाके ट्रैप हो गए होंगे, बाय साइड की तरफ ट्रैप होना ही नहीं था, बाय साइड की तरफ जाना कब था, 17250 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है, स्ट्रेंथ दिखता है, उसके बाद बाई करना था, और उसके बाद स्ट्रेंथ हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, हर एक दो कैंडल के बाद हमें वीकनेस देखने को मिल जा रहा था, तो बाय साइड की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, जाना कहाँ था, सेल साइड की तरफ, और जो लोग यहीं पे गए उनको प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए, उसका हम प्रॉपर आंसर करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।